हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने आपको बताया था मूल अवधारणा के बारे में और इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि सार्थक अंक क्या होता है, उसका गुणा भाग कैसे होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति। तो आज की हमारी टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री। तो देखा जाए स्टाइकियोमेट्री ये दो शब्द से मिलकर के बनी है, एक स्टाइकियन और दूसरा मैट्रॉन। तो स्टाइकियन और मैट्रॉन ये दो शब्द से मिल करके स्टाइकियोमेट्री शब्द का निर्माण हुआ है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। ठीक, अब देखा जाए तो स्टाइकियन का जो अर्थ होता है वो होता है तत्व, और मैट्रॉन का अर्थ होता है मापन। क्या होता है? मापन। तो अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमको ये प्राप्त होता है कि तत्व का मापन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें तत्व भाग लेता है। अब उन तत्व जो भाग लेता है उनसे आपस में जुड़ करके यौगिक बना होगा, फिर यौगिक आपस में क्रिया करके विभिन्न उत्पाद बनाए होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टाइकियो मेट्री की अगर हम बात करें या रस समीकरण मिति की बात करें तो वह प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिकारक उत्पाद संबंधी मापन प्रयोग किया जाता है, उसको हम जो है स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। पुनः एक बार परिभाषा देखा जाए तो स्टाइकियोमेट्री वह प्रोसेस है, वह विधि है जिसमें किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिकारक उत्पाद, उसमें संख्या, उसका द्रव्यमान आदि का मापन किया जाता हो या अध्ययन किया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रियन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर है? तो हम लोग देखें स्टाइकियोमेट्री गुणांक क्या होता है। तो स्टाइकियोमेट्री गुणांक की अगर हम बात करें तो कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित अवस्था में होगा तो उसमें क्रियाकारी कितना है और उत्पाद कितना है, तो जो संख्या अभिकारक और उत्पाद के वास्तविक संख्या को या पूरी संख्या को प्रदर्शित करता हो, पूरी मात्रा को प्रदर्शित करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहेंगे। तो परिभाषा अगर देखा जाए स्टाइकियोमेट्री गुणांक की, तो स्टाइकियोमेट्री गुणांक की जब हम परिभाषित करेंगे तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के समझें पहले, तब हम परिभाषा देते हैं। जैसे हमने लिया मैथेन गैसीय अवस्था, इसको हमने बर्न किया गैसीय अवस्था, और जब बर्न करेंगे जब हम किसी भी यौगिक को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? राख प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ जल। अब इसको आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है, मात्रा कितनी है? चार। और यहाँ पर हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है? दो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ दो यहाँ चार है, यहाँ दो कर देंगे तो दो दोनों के चार हो जाएगा, हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखेंगे दो ये है और दो ये है, तो दो 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 का इसमें गुणा करेंगे दो ये हो जाएगा और दो ये, इधर आपका चार हो गया, इधर दो, तो इधर भी अमाउंट आप क्या कर देंगे? दो कर देंगे। अब इसका अगर आपको स्टाइकियोमेट्री गुणांक निकालना है तो हमने आपको बता रखा है कि क्रियाकारी यानी जो क्रिया करता हो, तो देखा जाए ये क्रियाकारी हो गए। ठीक है, तो इसमें जो है CH4 की संख्या कितनी है? टोटल एक है, तो CH4 का जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक हो जाएगा एक हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसका स्टाइकियोमेट्री गुणांक कितना हो जाएगा, कितनी संख्या में है? दो हो जाएगा। उसी तरीके से
CO2 की बात करेंगे तो CO2 का जो इसका आगे संख्या है मतलब मात्रा कितनी है वो एक है, तो इसका स्टाइकियोमेट्री गुणांक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और जल की बात करें तो जल यानी H2O यहाँ पर मात्रा कितनी इसकी है, दो है, तो इसका स्टाइकियोमेट्री गुणांक दो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका स्टाइकियोमेट्री गुणांक हो जाता है। और इसको अगर हम परिभाषित करें तो परिभाषित करने के लिए हमने बता रखा है कि कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण होगा उसमें अभिकारक और उत्पाद पदों की संख्या कितनी है वही उसका क्या होता है, स्टाइकियोमेट्री गुणांक होता है। अब हम अगले टॉपिक देखेंगे स्टाइकियोमेट्री विलयन में, किसमें, स्टाइकियोमेट्री विलयन में यानी स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इन विलयन। तो विलयन में कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं यानी अधिकांशतः जो रिएक्शन होती हैं वो विलयन में ही होती हैं। तो जब अधिकांशतः रिएक्शन विलयन में होती हैं तो उस विलयन में हम कैसे स्टाइकियोमेट्री गुणांक का मापन करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हम जानते ये हैं कि जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं सब विलयन में होती हैं। तो विलयन में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करने के लिए जब कोई भी पदार्थ विलयन के रूप में होता है तो उसमें अधिकांशतः ये देखा जाता है कि उस विलयन में सांद्रता कितनी है। सांद्रता से तात्पर्य ये हुआ कि उस विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है और विलायक की मात्रा कितनी है, हम इसका अध्ययन करते हैं। तो जब हम विलयन में सांद्रता की बात करें तो सांद्रता का मतलब ये हो गया कि जो विलयन है उसमें कितना विलायक है कितना विलेय है इसकी गणना करेंगे, और इसी गणना के आधार पर हम उसका स्टाइकियोमेट्री गुणांक निकालेंगे। तो यहाँ पे आपकी दो टॉपिक बनती है, एक टॉपिक बनती है यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन है इसकी सांद्रता को हम दो वे में प्रदर्शित कर सकते हैं। कितने वे में, दो भागों में प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला जो भाग आता है ये द्रव्यमान के रूप में, और जो इसका दूसरा भाग होता है वह द्रव्यमान और आयतन के रूप में, किसमें, द्रव्यमान और आयतन के रूप में। द्रव्यमान और आयतन के रूप में जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो द्रव्यमान यानी द्रव्यमान भार इकाई के रूप में देखेंगे, तो इसमें भी आपकी कई टॉपिक आती है, तो उन कई टॉपिक का देखें तो उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में जानें। तो इसमें पहला आपका जो आता है मोल अंश आता है, क्या आता है, मोल अंश आता है। इसके बाद दूसरा इसमें आता है ppm में सांद्रता, इम्पोर्टेंट है, पार्ट्स पर मिलियन ppm में सांद्रता। फिर इसके बाद अगला इसका टॉपिक है मोललता, क्या है, मोललता। और चौथा इसका आता है द्रव्यमान प्रतिशत, क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इस तरीके से हम द्रव्यमान को इन्हीं चार भागों से सांद्रता देखेंगे विलयन में, द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। अब इसके बाद जो है द्रव्यमान आयतन इकाई के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आपका पहला जो आता है मोलरता आती है, क्या आती है, मोलरता आती है। दूसरा जो आता है फार्मलता आता है, फार्मलता। और तीसरा जो आता है इसका है वो है नॉर्मलता। और चौथा इसका जो है तुल्यांकी द्रव्यमान, कौन सा, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो इस तरीके से हम लोग जो है जो भी विलयन होता है उसमें जब हम सांद्रता का अध्ययन करते हैं तो सांद्रता का अध्ययन सिर्फ दो प्रकार से करते हैं, पहला है द्रव्यमान भार इकाई में और दूसरा है द्रव्यमान आयतन इकाई में। तो जब हम द्रव्यमान भार इकाई में अध्ययन करेंगे तो इसमें हम चार टॉपिक से अध्ययन करेंगे, चार प्रकार से अध्ययन करेंगे। पहला मोल अंश के आधार पर बताएंगे, दूसरा पीपीएम
के आधार पर बताएंगे, चौथा मोलालता के आधार, तीसरा मोलालता के आधार पर बताएंगे और चौथा द्रव्यमान के आधार पर बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद द्रव्यमान आयतन इकाई की बात करेंगे, तो इसके आधार पर भी हम स्टाइकियोमेट्री गुणांक को चार वे से प्रदर्शित करेंगे। पहला जो इसमें है मोलालता के रूप में प्रदर्शित करेंगे, दूसरा फार्मलता, तीसरा नॉर्मलता और चौथा तुल्यांकी भार के रूप में। तो आइए अब हम लोग एक एक टॉपिक अध्ययन करते हैं। द्रव्यमान भार इकाई के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे मोल की। तो जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं को मापने के लिए एक दर्जन का प्रयोग करते हैं, 20 वस्तुओं को मापने के लिए एक स्कोर का प्रयोग करते हैं, या फिर स्कोर को हम समंक भी कहते हैं, और 144 अगर वस्तु को मेजर करना है तो उसको हम एक ग्रोस भी कहते हैं। क्या कहेंगे, 144 वस्तु मापने के लिए हम एक ग्रोस का प्रयोग कर सकते हैं। और उसी तरीके से जब कोई अति सूक्ष्म कण होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब होते हैं, तो उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मोल का प्रयोग करेंगे। तो मोल को आपने पहले ही परिभाषित कर रखा है, मोल को आपने पहले ही परिभाषित कर रखा है। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारी ये निकल के आती है कि मोल किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या उपस्थित है। कहने का मतलब ये होगा कि जब भी आप एक मोल को परिभाषित करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, 12 ग्राम, क्या है 12 ग्राम। अब इस 12 के एक मोल मान लीजिए ये भी सब कुछ ले ली। अब इस मोल एक के 12वें भाग में इसी के बराबर जो भाग आएगा, जिस पदार्थ का हम मेजर कर रहे हैं द्रव्यमान आएगा, वही जो मात्रा होगी उसी मात्रा को हम क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। उसी मात्रा को हम क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। अर्थात इसको जब हम परमाणुओं के रूप में दिखाएंगे, अर्थात सूत्र के रूप में दिखाएंगे, तो हम इस प्रकार से दिखाते हैं मैथमेटिकल के रूप में, गणितीय रूप में। जैसे हमने कहा एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 12 ग्राम, ये 12 ग्राम क्या हो गया, प्रतिमोल, 12 ग्राम प्रतिमोल किसका, कार्बन। अब इसमें आपको डिवाइड करना है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, 1.992648 × 10³ ग्राम प्रति कार्बन, 12 समस्थानिक, ठीक। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको आ जाएगा 6.022 × 10³। ये आपका जो है निकल के आता है। तो इसको हम जो है अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवगाद्रो संख्या, क्योंकि ये जो संख्या थी, मतलब ये जो मूल संकल्पना थी, ये अवगाद्रो के द्वारा बताई गई थी। बताया गया था कि कोई भी परमाणु होगा उसमें जो है, कोई भी परमाणु होगा उसमें जब हम एक मूल लिखेंगे तो वह एक मूल एकदम स्थिर होता है। तो वो आता है 6.002 × 10³।
6.022 10^23। तो इसको हम अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन ए से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी मूल संकल्पना हो जाती है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग मोलरता की। तो मोलरता किसी भी विलयन में उपस्थित मोलरता की बात करेंगे, तो मोलरता का जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है मोलरता बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार पूरे के बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर यहाँ पे आपको ml दिया है तो इसमें आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो फार्मूला प्राप्त हो जाता है वो होता है W बाई कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन V, ये ml में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको कैपिटल M इक्वल टू आपको फार्मूला प्राप्त हो जाता है मोलरता निकालने का। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि 2.8 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2.8 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 200 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ फार्मूले में आपको रख देना है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। तो आपको प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, 2.8 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका W यानी भार दिया गया है 2.8 ग्राम, तो ये W इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद आपको आयतन दिया गया है यानी V किसमें दिया गया है 200 ml। तो इसको आप लीटर में जब चेंज करोगे, ये लीटर में चेंज करने के लिए 200/1000 कर देंगे। ठीक है, तो जब 200/1000 कर देंगे तो आपको लीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इस फार्मूले में रखेंगे तो हमको ये चीज़ प्राप्त होगी यानी 2.8/56। 56 कहाँ से आया, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के परमाणु भारों को जोड़ने पर। पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तीनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 56। और 56 आ गया तो 56 आपका विलय का अणुभार यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही विलय है जो घुल रहा है। ठीक है, अब फार्मूले में रखेंगे 2.8/56 बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो 200/1000 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट इधर जाएगा, पॉइंट एक हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा 28 से 9 28 28 2 56, ये चीज आएगा। और इसको काटेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 या फिर 2/10 रहने देंगे। अब 10 ऊपर जाएगा तो ये 2 उसमें गुणा कर लेगा तो 1/4 जाएगा, साफ करेंगे तो आ जाएगा 25। यही आपका ग्राम प्रति लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, ओके। इसी सूत्र पर आपको दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये दिया गया है कि 10 मोल H2SO4 विलयन से 2 मोल H2SO4 के विलयन 500 ml बनाने के लिए इसके कितने आयतन की आवश्यकता हो। फिर से प्रश्न, 10 मोल H2SO4 विलयन से 2 मोल नहीं फिर से क्वेश्चन रॉन्ग है प्रश्न फिर से सुनिए 10 मोलर H2SO4 विलयन से 2 मोलर H2SO4 200 ml में बनाने हैं तो उसके लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। प्रश्न एक बार पुनः सुने और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। 10 मोलर H2SO4 विलयन से 2 मोलर H2SO4 के 500 ml बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो सिंपल है, इसको आप लगाइएगा फार्मूले से। एक फार्मूला होता है
एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, इसी फार्मूले से लगेगा। और इस फार्मूले पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रख देना है सूत्र को, एक एस टू सोफ इधर, एक एस टू सोफ उधर, इधर आपका 10 मोल, उधर आपका 2 मोल, इधर एक आयतन दिया गया है, एक आयतन निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, लगाइएगा।